हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? नीचे कमेंट करके बताना। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज के हम इस वीडियो में ना सर्च कंसोल मास्टर क्लास में बात करेंगे। ये एक ऐसा वीडियो होगा ना कि आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल मेथड्स के बारे में बात करूँगा कि कैसे सर्च कंसोल का यूज करके मैं अपने ब्लॉग का ट्रैफिक एकदम कुछ दिनों में बढ़ा लेता हूँ, 5 से 10 दिनों में ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और कैसे अपने ब्लॉग का इनकम बढ़ा सकते हैं सर्च कंसोल से। और बहुत लोग शौक हो जाएंगे कि सर्च कंसोल से अपना ब्लॉग का इनकम कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सारा चीज जानेंगे सर्च कंसोल के बारे में, एकदम बेसिक से भी बात करूंगा। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता है सर्च कंसोल के बारे में, उनको बेसिक से भी मैं बात करूंगा और बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। एडवांस उस लेवल तक जाएंगे जो मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है, उस लेवल तक इस वीडियो में हम एडवांस जाएंगे। तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर लो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है सर्च कंसोल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। बहुत लोग पता है क्या होता है, स्किप करके देखते हैं तो भाई आप देखो ही मत, आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आप इनकम करने आए हो और वो चीज़ें आप स्किप करोगे तो कैसे कुछ सीखोगे। मैं अपना हार्ड वर्क, अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करता हूँ। मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि मुझे व्यू चाहिए, यहाँ से इनकम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग सीखो, कुछ करो और मेरा भी नाम करो आगे जाके कि हम, मैं फलाने जगह से सीखा था। और YouTube में आप लोग को पता है ही कि आजकल क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लिया तो आप सब्सक्राइब कर लो। लेट सपोज ये हमारा ब्लॉग है, ठीक है, और ये हमारा गूगल देवता है, ठीक, जहाँ से हमें ट्रैफिक आता है। तो हमें कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, हमारा ब्लॉग पोस्ट कहाँ रैंक कर रहा है, हमारे ब्लॉग में कुछ दिक्कत है कि नहीं है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा। तो बीच में एक गूगल ने प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कंसोल बोलते हैं, सर्च कंसोल। यहाँ पे अगर हम कोई भी साइट ऐड करते हैं अपना, तो गूगल आसानी से इनको अपने डाटा में क्रॉल कर लेता है, मीन्स डाटा को स्टोर कर लेता है हमारे ब्लॉग को, और वो गूगल में दिखाने लगता है, जिसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो इतना एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ज़्यादा बेसिक डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो प्रैक्टिकल ज़रूरी है उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सर्च कंसोल है ना, हमारे ब्लॉग का ये कुंडली है। हम अपने ब्लॉग का पूरा कुंडली यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉग में क्या इशू है, हमारे ब्लॉग का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा ब्लॉग और अच्छा कैसे हो सकता है, इसको इम्प्रूव हमें कैसे करना है, ये सारा चीज़ें यहाँ आ जाएगा और सारा डाटा के साथ हम बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले तो आपको गूगल में जाना है, सर्च कंसोल को सर्च कर लेना है और अपने साइट को ऐड करना है। कैसे है, तो यहाँ पे आप ऐड प्रॉपर्टी करोगे ना, तो आपका यहाँ पे साइट ऐड हो जाएगा। अब देखो, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि डोमेन में ऐड करते हैं, नहीं, आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे जो भी आपका साइट का पूरा URL है ना, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे लेट सपोज मेरा ये मान लो है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है और कंटिन्यू कर देना है, तब जाके ये आपको यहाँ पे ऐड होगा। तो देखो, मैंने पहले ही ऐड कर लिया है। अगर आपने ऐड नहीं किया है ना, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी का डिटेल पूछेगा। लेट सपोज ब्लॉगर विकास .com ये ऐड करता हूँ, तो जैसे मैं ऐड करूँगा ना, तो ये वेरिफिकेशन पूछेगा कि ये डोमेन मेरे पास है कि नहीं। तो इसको आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आप वेरीफाई कर सकते हो, HTML5 से कर सकते हो, HTML टैग से कर सकते हो, टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स या DNS कुछ भी से कर सकते हो। तो इस कोड को कॉपी करके आपको हेडर में लगा लेना है अपने साइट के, और फिर वेरीफाई कर लेना है। आप लोग इसको आसानी से कहीं से भी कर सकते हो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इस पर हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। देखो, तो मैं 100% गारंटी दे के कह सकता हूँ ना कि मैक्सिमम लोग, सबसे ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, तो आपको नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो मेरा स्किप मत किया करो, उससे अच्छा है कि आप देखो ही मत। मेरे को व्यू नहीं चाहिए, मेरा है कि आप देखो, उससे सीखो और सक्सेस हो। तो जो नया डोमेन है ना, उसको कैसे ऐड कर लेना है, सबसे पहले तो आप कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। आप क्या करते हो, ब्लॉग सेटअप करते हो, ठीक है। जैसे ही ब्लॉग सेटअप हुआ, आप कंसोल में तुरंत डाल देते हो। ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत मेथड है। तो बहुत लोग कहेंगे फिर सही मेथड क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं बता देता हूँ। बिना लॉजिक का दूसरे यूट्यूब चैनल पर चलता है, मेरे चैनल पर सिर्फ लॉजिक वाली बातें होती है।
तो देखो एक सिस्टम बता देता हूँ, ये आपका गूगल है ठीक है, और ये आपका ब्लॉग है ठीक। अब जब भी यहाँ गूगल के कुछ बोट्स होते हैं जो इकट्ठा करते हैं साइट की डाटा को, अब मान लो ब्लॉग पे वो गूगल का बोट आया, आपने तो अभी इंस्टॉल किया है यहाँ पे वर्डप्रेस, मींस कि यहाँ पे नील बट्टा सन्नाटा है आपके ब्लॉग पे ठीक है, तो वो जाके अपने डाटा में स्टोर करता है कि यहाँ पे नील बट्टा सन्नाटा है ठीक है। अब देखो गूगल में करोड़ों में साइट्स हैं ठीक है, तो जो बोट है ना, बोट जो भी होते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े सर्वर पे चलते हैं और उन्होंने ऐसा ऑप्टिमाइज किया है ना कि जिस साइट पे कुछ भी नहीं हो वहाँ पे वो कम विजिट करे, जिसी के चक्कर में आप लोग का इंडेक्सिंग इशू होता है, आप लोग का पेज या ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं होता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। अब देखो गूगल के पास ऐसी साइट है जिनके पास रेगुलर कंटेंट अपलोड हो रहा है, और एक आपका साइट है जिस पर नील बट्टा सन्नाटा है, तो गूगल का जो बोट है वो किधर जाना प्रेफर करेगा? रेगुलर साइट है उधर बार बार जाएगा, और तभी उनका इंडेक्सिंग भी अच्छा होगा, और इंडेक्सिंग अच्छा होगा तो इनिशियली इंडेक्सिंग अच्छा होगा तो आगे जाकर रैंकिंग भी अच्छा होगा। तो देखो ऐसे करना है ना कि हमें नील बट्टा सन्नाटा चीजें नहीं देना है, नहीं तो गूगल के माइंड में आ जाएगा कि यार ये तो कुछ काम करता है नहीं, झूठ मूठ का मेरा रिसोर्स डाटा व्यर्थ करता है। एक कहानी बचपन में सब लोगों ने सुना होगा ना, बचपन में एक लोग संकानी एक लड़का था, वो बोलता था भेड़िया आया, तो बहुत लोग दौड़ के यहाँ चले आते थे, तो वो देखते थे वहाँ कुछ है नहीं, तो फिर वो हंसने लगता था। तो ऐसे दो तीन बार हुआ, लास्ट में एक सच में भेड़िया आया और वो चिल्लाते रह गए यहाँ पे कोई नहीं आया। तो सेम सिस्टम यही है, जो लोग है ना उसको समझो कि गूगल का बोट है। तो आपका ब्लॉग जब नील बट्टा सन्नाटा है, बार बार इसको आप लोग क्या करते हो कि फोर्स इंडेक्सिंग करते हो कि भाई इंडेक्स हो जाए, इंडेक्स हो जाए, इंडेक्स हो जाए, तो आपके पास जब कुछ है नहीं और इस बोट को आप बुला ले रहे हो, तो बाद में जब आपके पास कुछ होगा भी ना तो वो इग्नोर करते रहेगा आपके साइट को। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी नया डोमेन हो ना आपके पास, तो कम से कम 5 आर्टिकल आपको करना है अपने ब्लॉग पे। जब भी 5 आर्टिकल हो जाए ना, तब यहाँ पे आप सर्च कंसोल में सबमिट करो और बोट जी को बुलाओ कि भाई आके देखो यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया है, आप आके देखो। तो जब भी 5 आर्टिकल हो जाएगा ना, तो गूगल का बोट आपके यहाँ आएगा, सारा कंटेंट को एनालाइज करेगा, समझेगा कि देखो कि आपका ब्लॉग क्या है, किस नीश में है ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स आपने क्या क्या टारगेट किया है, उस हिसाब से इस ब्लॉग को आपको एक बक्से में डाल देगा कि हाँ इसमें कुछ है। अब मान लो यहाँ पे एक बक्सा था कि नील बट्टा सन्नाटा और एक बक्सा है जिसमें कुछ है, तो आप यहाँ से इम्प्रूव हुए ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो अपने नए जो भी ब्लॉग बनाते हो उसमें कम से कम 5 आर्टिकल अपने नीश से रिलेटेड करो अच्छे तरीके से, और तब जाके कंसोल में इसको ऐड करो, तब जाके ये अच्छा रिजल्ट भी देगा, इंडेक्सिंग भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। आप हवराई के चक्कर में कि भाई इंडेक्स हो रहा है कि नहीं, मेरा कितने पेज पे रैंक हो रहा है, इस चक्कर में कुछ नहीं होता भाई। ब्लॉग बना लेने से रैंक हो जाता और पैसे कमाने लगते तो सब लोग यही करता, यहाँ यूट्यूब पे आप या मैं कुछ नहीं कर रहे होते ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन था वो है एक्सपायर्ड डोमेन वाला, जिस पे हम बात कर लेते हैं। अगर एक्सपायर्ड डोमेन है तो इसमें कंडीशन है कि आप कम से कम एक ब्लॉग पोस्ट करो, कम से कम एक ब्लॉग पोस्ट करो, या फिर इसका कम से कम एटलीस्ट होम पेज डिजाइन कर लो। और बहुत लोग बोलेंगे भैया न्यू में तो आपने 5 बोला ठीक है, न्यू ब्लॉग पे तो आपने 5 बोला, यहाँ पे 1 क्यों बोल रहे हो? आपका वो कंसेप्ट कहाँ गया जो नील बट्टा सन्नाटा वाला था? भाई वो भी कंसेप्ट यहाँ है, लेकिन यहाँ पर देखो एक और चीज़ क्या है, एक्सपायर्ड डोमेन एक रिस्की चीज़ होता है ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन को कैसे सेटअप करना है, इस पर भी मैं वीडियो कल या परसों लाने वाला हूँ, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मन करे तो नहीं भी करोगे तो भी लाऊंगा। तो देखो रिस्की बेट होता है वो। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत बार डोमेन पे मैनुअल एक्शन लगा रहता है, मीन्स कुछ भी काम करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, और कुछ ना कुछ इशू रहता है बहुत बार डोमेन्स पे। तो उसी को चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट एक पोस्ट कर लो और होम पेज एक बना लो। तो इससे ये भी रहेगा कि ये नील बट्टा सन्नाटा भी नहीं हुआ और हमारा मैनुअल एक्शन वगैरह भी चेक हो गया। और इन सब को कैसे चेक करना है वो आगे सर्च कंसोल में मैं बताऊँगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो ठीक है।
तो एक्सपायर डोमेन पे आपको एटलीस्ट एक पोस्ट करना है या तो होम पेज डिजाइन करना है, तब जाके कंसोल में इसको ऐड करना है। और नए जो डोमेन वाले हैं उनको 5 पोस्ट एटलीस्ट करना ही करना है, तभी जाके आपको ऐड करना है। हबराई में आज ऐड कर लोगे तो आज ही ना रैंक होगा ना पैसा मिलेगा, इतना पता है ना। तो फिर आप बच्चों वाली हरकत क्यों करते हो भाई? आपका इनकम जब भी होगा वो 3 महीना 4 महीना के बाद ही होगा, तो ये आप दिमाग में कील ठोक लो इस चीज़ को कि मेरा इनकम आज नहीं होने वाला है। तो आप अच्छा चीज़ बनाओ, गूगल के नज़र में आप अच्छा फेस वैल्यू बनाओ। अगर नील बट्टा सन्नाटा रहेगा तो आपका फेस वैल्यू शुरू में ही ख़राब बन जाएगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखोगे ना, तभी आप लॉन्ग रन में एकदम प्रो ब्लॉगर की तरह काम कर पाओगे। और ये सब चीज़ें यूट्यूब पे कहीं कोई शेयर नहीं करेगा, ये मेरा 9 ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप ही लोग के साथ, आप ही लोग के भले के लिए। तो आगे और बढ़ लेते हैं कि इसमें अब क्या क्या करना है। लेट सपोज ये साइट आपका सर्च कंसोल में ऐड हो गया, तो ओवरव्यू पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सारे ओवरव्यू आते हैं, लाइक की परफॉर्मेंस कितना है, उसके बाद ये आएगा इंडेक्सिंग का रिपोर्ट आएगा, एक्सपीरियंस का रिपोर्ट आएगा, और ठीक है इन्हेंसमेंट का रिपोर्ट आएगा। तो ये सारे आपको रिपोर्ट आएंगे। यहाँ से क्या बताता है कि आपका ब्लॉग का परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके ब्लॉग पे कितना पेज इंडेक्स हुआ है, कितने पेज में इशू है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे दिखाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो देखो अब एक्सपीरियंस वाले चीज़ पे सबसे बड़ा जो फालतू चीज़ फैलाया गया है मार्केट में उसको मैं यहाँ पे बस्ट कर देता हूँ। तो देखो ये एक्सपीरियंस वाला चीज़ है ना, एक नए आदमी को इसको बिल्कुल ही इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये लिख के रख लो, ये यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखो क्या इसके पीछे, मेरे को हंसी आती है ये चीज़ बताने में कि लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ भी बताने लगते हैं। पेज एक्सपीरियंस स्कोर वेब विटल्स, कितना भी अपना ब्लॉग को फास्ट कर लो अच्छा कर लो, ये जब तक आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आएगा ना, आपके सर्च कंसोल में इसका कोई भी डाटा शो नहीं करेगा, सर्च कंसोल में आपका डाटा 0/0 रहेगा। तो ये चीज़ों को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? सबसे पहले आपको ट्रैफिक लाने पर ध्यान देना है। ट्रैफिक लाओगे तभी पेज एक्सपीरियंस भी दिखाई देगा, कोर वेब वाइटल्स भी दिखाई देगा। तो आपको ये चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, ये चीज़ आप गांठ बांधते जाओ, लिखते जाओ मन करे तो, क्योंकि विदाउट ट्रैफिक ना आपको ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं मिलेगा। तो आप फोकस करो किस चीज़ पे, आपको एक तो 5 आर्टिकल कर लेना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद आपको ट्रैफिक पे ध्यान देना है और डाटा पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखो। उसके बाद देखो 5 ऐड कर लेने के बाद ना आपको साइट को कैसे ऐड करना है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ साइट मैप में आ जाना होता है। साइट मैप में आ जाने के बाद मैंने बताया था ना ब्लॉग एसईओ वाले में कि आपको साइट मैप में क्या क्या क्रिएट करना है, आपको पता ही होगा जो ब्लॉग एसईओ का वीडियो था ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको दो ही चीज़ों को इंडेक्स रखना है अपने ब्लॉग पे भी और यहाँ भी। क्या? एक तो पोस्ट और एक पेज। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि टैग को भी इंडेक्स कर देते हैं, कैटेगरी को भी इंडेक्स कर देते हैं, उसके बाद एक और ऑथर वाले को भी इंडेक्स कर देते हैं। सबको नो इंडेक्स करके रखना है भाई साहब। आपको काम किस चीज़ से है? पोस्ट और ये पेज से काम है, ना कि इन टैग कन्वर्टर से। आपको इसको थोड़ी रैंक करना है, कैटेगरी को थोड़ी रैंक करना है। ये सारे चीज़ आपके ब्लॉग पर डुप्लीकेट का इशू क्रिएट करते हैं, और ये मैं सारा चीज़ ब्लॉग एसईओ वाले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा ये वीडियो तो मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके देखो। आप एकदम प्योर स्किल बेस पे काम करो। और इसके बाद यहाँ पे आपको साइट मैप सबमिट करना होता है। तो वो कैसे करते हैं आप बहुत लोग को पता भी होगा और नहीं भी पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये जो देखो मैंने क्या इंडेक्स करके रखा है, पोस्ट और पेज। यहाँ पे कैटेगरी टैग नहीं आना चाहिए, जिसका भी आ रहा है ना वो जाके अपना सही कर लो, नहीं तो ये फालतू चीज़ है, फालतू काम क्रियाक्रम नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे साइट मैप वाले को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखो साइट मैप
कर लेने के बाद आप पोस्ट वाले भी डाल सकते हो, मन करे तो पेज वाले भी डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आके आपको पोस्ट को भी ऐड कर लेना है, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पे आके क्या करोगे, पेज वाला भी ऐड कर लो। इसके फालतू आपने कुछ भी नहीं करना है, तो ऐसे ही सबको डाल लेना है। और थोड़ी देर में देखो, अब देखो क्या हुआ, बहुत लोग ये भी डालते हैं जैसे मैंने डाला, ये नहीं भी डालोगे तो काम चलेगा कैसे, ये साइट मैप इंडेक्स पे क्लिक करो, इसके अंदर देखो ऑटोमेटिक इसने दोनों को ले लिया है, तो वो नहीं भी डालोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इतना चीज आप समझ गए कि क्या करना है नहीं करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब सबसे जो हॉट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे हॉट टॉपिक देखो इंडेक्सिंग वाला ही है, जिसमें भी बहुत लोग फालतू काम करते हैं, फालतू दिमाग लगाने लगते हैं, जो कि नहीं लगाना है आपको बिल्कुल भी। अब देखो इसका एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। अब बहुत लोग को लगेगा कि भाई 21 गो नो इंडेक्स पेज है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, भैया मैं क्या करूँ, मेरा मैसेज आ गया, ये करो फलना करो टिकना करो, यार ये इरर क्यों आया है, किसको कैसे सॉल्व करूँ। तो ये सब चीज़ें करने से पहले पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो भाई। तो इसको कॉमन सेंस लगाने के लिए यहाँ फुल रिपोर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार, और इसका फुल रिपोर्ट लोड होने देता हूँ। अब देखो जो 10 पेज नहीं इंडेक्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला इशू देखो ये नो इंडेक्स वाला चेक कर लेते हैं पहले। तो देखो इसमें कौन कौन से पेजेस हैं, ये डिस्क्लेमर वाला पेज है, डीएमसीए है, ऑथर का पेज है। अभी मैंने क्या बताया कि ऑथर प्रोफाइल हमें क्या करना है, नो इंडेक्स ही रखना है, ठीक है। बहुत बार यहाँ पे कैटेगरी भी आता है, ओके, और बहुत बार यहाँ पे टैग भी आता है कि ये आपका नो इंडेक्स हो गया, इंडेक्स नहीं हो रहा। तो भाई एक कॉमन सेंस लगाओ आप यहाँ पे, आप अपने ब्लॉग एसईओ में ही इसको क्या किया है, नो इंडेक्स किया है, नो इंडेक्स टैग लगा के नो इंडेक्स कर दिया है ये ऑथर वाले को, और ये जो भी पेज है इन सबको मैंने नो इंडेक्स करने को बोला था। तो ये गूगल इसको इंडेक्स कैसे करेगा, ये दिमाग लगाओ कि जब आपने नो इंडेक्स लगाया ही है, हमें इसको इंडेक्स ही नहीं करना है, तो फिर इसके इरर से क्यों डर रहे हो भाई, इसको हमने इंडेक्स ही नहीं करना है, तो रहने दो यहाँ पे इस कॉलम में, इससे हमारा क्या इशू हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको इसमें रहने दो ना। यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है उसको कैटेगरी को रहने दो, यहाँ पे जो भी आ रहा है जो हमारे काम का नहीं है उसको रहने दो, और यहीं पे कोई जो अगर हमारे काम का है, मान लो हमारा पेज है, कोई पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो आ रहा है, तो उसका ये टैग जाके चेक करो और उसको सही कर लो। तो देखो अगर इसमें इंपॉर्टेंट कोई पोस्ट आता है तो उसको कहीं कैसे सही करना है वो मैं बता देता हूँ। लेट सपोज आपका एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट मान लो यहीं आ गया, ठीक है, और उस पर नो इंडेक्स के अंदर आ रहा है, तो इसको कैसे सही करना है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, रैंक मैथ में जाना है, ठीक है, रैंक मैथ पे क्लिक करो और यहाँ पे ये सूटकेस वाले पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखना वो नो इंडेक्स पे क्लिक हुआ रहेगा, तो उसको इंडेक्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो वो सही हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया ना कि जिस चीज़ को हमें इंडेक्स ही नहीं करना है वो आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको क्या करना है, जस्ट इग्नोर। अब देखो ये वीडियो ख़त्म होते होते ना आपका 90% का टेंशन मैं ख़त्म कर दूंगा, वो बिल्कुल भी सोचने वाला चीज़ नहीं था, आप फालतू में घबरा रहे थे, वो बिना मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पे नो इंडेक्स वाला मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद देखो अब कर लेते हैं सबसे ज्यादा तो ये आता है करेंटली नॉट इंडेक्स, ये वाला, तो इसको एक बार देख लेते हैं। क्रावल भी आता है नॉट इंडेक्स वाला, तो वो भी बता देता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। अब ये इरर लेके मेरे पास 500 लोग आ गए कि भैया मेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे क्या करूँ। अब बताओ कि आप फीड यूआरएल को क्यों इंडेक्स करना चाहते हो, इसको क्यों इंडेक्स करना है दोस्त, इसको इंडेक्स क्यों करना है, गूगल इसको इंडेक्स नहीं किया ये इरर है, तो आप इसको इंडेक्स क्यों करना चाहते हो, हमें किस चीज़ को लोगों को दिखाना है, अपने पोस्ट को दिखाना है और पेज को दिखाना है और होम पेज को दिखाना है, वो सब इंडेक्स है ना, तो इन लोगों को गोली मारो ना भाई, आप ये दिखाना चाहते हो, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैं इस साइट को ओपन कर लेता हूँ, इस यूआरएल को, आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो, बताओ मेरे को, लोग आपके साइट पर आके ये फीड देखें नहीं चाहते हो ना, तो फिर आप जब नहीं चाहते हो, इरर वहां दिखा रहा है, तो आपसे इग्नोर क्यों नहीं होता है, ये मेरे को आंसर दो आप। आपको फीड में ये सब कोडिंग लोगों को नहीं दिखाना है ना,
तो वो नो इंडेक्स है, तो आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर करो, इस पे ध्यान ही मत दो आप। तो ये फीड वाले जो आपका है यहाँ पे और टेंशन खत्म कर दिया। और जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, डिस्कवर और नॉट, मतलब गूगल ने डिस्कवर तो कर लिया लेकिन नॉट इंडेक्स है, तो वो इशू यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसका मैं बता देता हूँ क्या कारण है आपका। तो कारण है एक तो क्वालिटी आपका सही नहीं रहता है आर्टिकल का, ठीक है, सबसे फर्स्ट कारण है। दूसरा कारण वही है नील बट्टा सन्नाटा वाला, कि आपके ब्लॉग पे पहले कुछ था नहीं और आपने उसको सबमिट कर दिया, तो गूगल आपको इस नील बट्टा सन्नाटे वाले बॉक्स में डाल दिया है, तो आपको वैसे ही कंसीडर करेगा कि डिस्कवर तो कर लिया है लेकिन गूगल को उस कंटेंट पे डाउट है कि इसको इंडेक्स हम करें या नहीं करें, क्योंकि आपने इमेज ही गलत बना लिया है, नील बट्टा सन्नाटा वाला इमेज बना लिया है। तो जब भी मेरा मेथड फॉलो करोगे ना, 5 पोस्ट डाल के और तब सर्च कंसोल में सबमिट करोगे, तो चांसेस है कि ये एरर नहीं आएगा। फिर भी अगर ये एरर आ रहा है ना, तो आपको इंटरलिंकिंग करना है, इस पोस्ट को इंटरनल लिंकिंग कर लेना है। जिस पेज पे एरर आ रहा है ना, तो जो भी कोई पेज इंडेक्स है तो वहाँ से इसको इंटरनली लिंक यहाँ पे कर देना है, तो वो इशू धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, बहुत लोग तो बोलते हैं कि भैया मैंने ये सभी कर लिया और सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने पूछा आपने ये कब किया, तो आज किया था या कल किया था। तो भाई साहब, गूगल आपके लिए ही नहीं बैठा है, आप मालिक नहीं हो कि भाई मैंने कर दिया गूगल अब इंडेक्स कर। भाई इस ये प्रोसेस में टाइम लगता है, तो कोई भी प्रोसेस को टाइम में कम से कम 7 से 10 दिन टाइम दो, तभी जाके वो रिफ्लेक्ट होने में भी टाइम लगेगा। ब्लॉगिंग जब भी करोगे ना, तो आपको ये पेशेंस रहना सिखा देगा कि कैसे आपको पेशेंस लेके रहना है, ठीक है। तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा ऐसे। तो यही 2-3 मेजर इशू है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी जितने सारे इशू है उस पर कभी हम बाद में बात कर लेंगे। तो यही मेजर इशू था, तो जिसको आप इग्नोर करोगे ना, तो आपको 90% टेंशन फ्री हो जाओगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब देखो, कैनोनिकल में भी फीड आ रहा है, तो ये सब चीज़ों को आप इग्नोर कर दो। उसके बाद जो अभी मैंने बताया ना कि कैसे आप मैनुअली चेक करते हो, क्या चेक करते हो, वो सारा हम बता दें चलते रहें। मान लो कोई आपके साइट पे मैनुअल एक्शन लगा है, तो कैसे पता चलेगा, सिक्योरिटी और मैनुअल पे क्लिक करोगे, यहाँ मैनुअल एक्शन, तो यहाँ पे कोई भी आपका मैनुअल एक्शन लगा रहेगा तो यहाँ बता देगा कि आपका साइट पहले इस इशू की वजह से बैन हो चुका है गूगल से। तो ये आप लोग एक बार चेक कर लो, जब भी आप एक्सपायर्ड डोमेन लो, तो मैक्सिमम चांस एक्सपायर्ड डोमेन में ये सब चीज़ों का रहता है, जब भी वो आप यहाँ सबमिट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर साइट कोई हैक वगैरह होता है, तो उसका सिक्योरिटी इशू भी यहाँ पे ये गूगल दिखाने लगता है, सिक्योरिटी इशू में वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सब चेक हो गया। उसके बाद देखो, बैकलिंक इंडेक्सिंग का वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करो, उसका भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपने कहाँ कहाँ बैकलिंक बनाया है और आपके ब्लॉग पे कहाँ कहाँ से लिंक है, यहाँ लिंक सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो देखो, एक्सटर्नल लिंक जो होता है ना, वो बैकलिंक का सेक्शन होता है, आपने कहाँ कहाँ से बैकलिंक लिया है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देखो, अभी कहीं से भी बैकलिंक नहीं है, ठीक है। और इंटरनल लिंक कहाँ कहाँ से आपने किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको इंटरनल लिंक दिख जाएगा। तो देखो, बैकलिंक इंडेक्सिंग में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, इस सेक्शन का। तो अगर आपको बैकलिंक इंडेक्सिंग पे वीडियो चाहिए, तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, तो मैं जल्दी ही 1 से 2 दिन में वो वीडियो रेडी कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे को कम से कम 10 कमेंट होने चाहिए नीचे, और इस वीडियो को लाइक भी करना है आपको, तो लाइक करो तो वो वीडियो मैं ला दूंगा। और इसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें, तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ से देखना है और कैसे बैकलिंक इंडेक्सिंग करना है। अभी इस वीडियो में आगे और खतरनाक चीज आने वाला है, जो चीज मैं परफॉर्मेंस वाले पे तो करके ही नहीं दिखाया। रैंक कैसे इंप्रूव करना है, मनी कैसे बनाना है, वो सारे चीज आगे आने वाला है, तो इस वीडियो को आप देखते रहो। अब देखो, आपके ब्लॉग पे कुछ ऐसा पोस्ट हो गया जिसको रिमूव करना है, तो आप यहां से रिमूवल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, टेम्प्रोरी आउटडेटेड जो भी कंटेंट है यहां से, अगर तुरंत मतलब कुछ देर के लिए ही रिमूव करना है तो यहां से टेम्प्रोरली यूज कर सकते हो, और परमानेंट यूज करना है तो आप ये वाला सेक्शन यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब चलिए एडवांस लेवल के चीज़ों में हम आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस चीज़ है वो है परफॉर्मेंस, तो अब चलते हैं। तो ये लोग बोलेंगे कि इसमें एडवांस क्या है, तो वो आप अभी वीडियो 5 मिनट देखो, आपको खुद पता चल जाएगा एडवांस इसमें क्या है। तो देखो, ये इम्प्रेशन है और ये क्लिक है, मीन्स कि आपका साइट गूगल में कितने बार दिखाया गया है वो ये है, और देखने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया है वो ये है, ठीक है, और वो परसेंटेज कितना हुआ ये वो है,
और पोजीशन मतलब कितने नंबर पे गूगल में दिखाया गया ये है। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे को तो ये पता था, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ इसको। देखो अब इसमें डीपली मैं बताता हूँ। अब जो ये एवरेज पोजीशन है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मेरा साइट तो रैंक कर रहा है 5वें पोजीशन पे और ये एवरेज पोजीशन मेरा 2 दिखा रहा है, तो 2 नंबर पे क्यों नहीं रैंक कर रहा है। तो भाई साहब यही तो एडवांस कंसेप्ट धीरे धीरे आपको बताना है। जो ये एवरेज पोजीशन है ना, सब कंट्री को मिला के यहाँ आता है, एक ही कंट्री का नहीं आता है। इंडिया, यूएसए, जहाँ जहाँ आपके ब्लॉग को दिखाया गया है वहाँ का एवरेज ले के ये दिखाया जाता है। अब मान लो इंडिया में आपका पोजीशन है 8, ठीक है, यूएस में पोजीशन है 10, पाकिस्तान में 10, तो इसका क्या एवरेज पोजीशन होगा। अब तीनों को जोड़ दो, 8, 2, 10 और 10, 20, और 20 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका एवरेज पोजीशन हो जाएगा 6.33। अब देखो यहाँ पे एवरेज पोजीशन मान लो दिखा रहा है 6.33। अब आप इंडिया से हो तो आप तो बोलोगे कि मेरा 8 नंबर पे है। अगर यूएस में काम कर रहे हो तो भैया बोलोगे कि मेरा तो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, यहाँ 6 क्यों दिखा रहा है। बोलोगे इंडिया से कि मेरा तो गूगल में 8 नंबर पे दिखा रहा है, सर्च कंसोल तो 6 दिखा रहा है, 6 नंबर पे क्यों नहीं है। तो ये सारा मेन कंसेप्ट है आपका। तो ये एवरेज पोजीशन का एक है। अभी आगे चलते जाओ, अभी आगे तो बहुत चीज़ें बाकी हैं। अब देखो ये तीनों पे क्लिक, सब पे आपको देखो क्लिक कर लेना है। जिस पे आप हटाओगे ना वो डाटा यहाँ नीचे से हट जाएगा, तो आपको सब पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो आपको पता चलेगा ना कि कौन से क्वेरीज पे आप रैंक कर रहे हो, कहाँ से कितना क्लिक आया है, कितना इंप्रेशन है, ये सारा चीज़ यहाँ से पता आपको चलते जाएगा। और ये डाटा कब का देखना है वो आप यहाँ से चेंज और हटा सकते हो। तो मान लो मैं 6 महीने का डाटा यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, और सर्च यहाँ से मान लो वेब, इमेज, वीडियो, ये न्यूज है, ये सब आपको हटा दो, हम सिर्फ वेब में ही देखना चाहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मेन चीज आता है कि क्या करना है, हमें रैंक कैसे इंप्रूव करना है, ये देख लेते हैं। अब एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो बताना मेरे को, कीवर्ड है एक, ठीक है, एक कीवर्ड आपका रैंक कर रहा है 90 पोजीशन पे, 90 नंबर पे, याद रखना, और दूसरा कीवर्ड है वो आपका रैंक कर रहा है 9वें नंबर पे। तो एक नंबर पे किसको लाना सबसे ज्यादा ईजी है, इसको या 9वें नंबर वाले को? 90 से एक लाना बहुत हार्ड है, 9 से एक लाना बहुत इजी है। तो देखो हम मूर्खता वाला काम क्या करते हैं ना, कि हमें कुछ पता ही नहीं रहता है, हम अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं कि किस पे काम करें, किस पे काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो वो चीजों को हटाने के लिए मैं यहां बता देता हूं कि कैसे आपको काम करना है। और देखो ये सारी चीजें अलाउ कब होगी, जब आपके ब्लॉग पर 30+ पोस्ट है और यहाँ पे इम्प्रेशन आ रहा है और क्लिक्स आ रहा है, तभी। ये 0 वाले के लिए नहीं है। आप कम से कम 30+ पोस्ट करो, 3 मंथ पुराना ब्लॉग हो गया है, तभी ये चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या कर लेना है, जो एवरेज पोजीशन वाला बताया ना वो मैं बता देता हूँ। लेट सपोज मेरा कीवर्ड ये है, इसका एवरेज पोजीशन 2.4 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया, इंडिया में 2.5, पाकिस्तान में 1.7, सब जगह अलग अलग है, इस सबका एवरेज मिला के वो आया है, ठीक है। वैसे ही जो यहाँ से हम हटा देते हैं, एक और दूसरा क्वेरी ले लेते हैं, मान लो ये वाला क्वेरी ले लेते हैं, इसका एवरेज पोजीशन कितना है, 16.2, ठीक है। लेकिन वहीं अब कंट्री में चलते हैं, इंडिया में 10वें नंबर पे है। अब बोलोगे भैया सर्च कंसोल तो 16 दिखा रहा है लेकिन इंडिया में मैं 10वें नंबर पे रैंक कर रहा हूँ, वाह। या बोलोगे भैया सर्च कंसोल तो 16 नंबर पे दिखा रहा है लेकिन यूएस में मेरा 27 नंबर पे कैसे चला गया। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी कि कौन से कंट्री में क्या हो रहा है। उसके बाद देखो ये कीवर्ड कौन से पेज पे रैंक कर रहा है, मतलब कौन सा पेज है ये, तो ये पेज है, तो कुछ भी हमें एडिट या चेंजेस करना होगा तो ये पेज ओपन करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। और एक खास बात बताते हैं, और ये जो पेज है ना, हमने लाइव कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास में ये पेज को क्रिएट किया था और ये देखो हमारा रैंक भी हो रहा है। तो ऐसे अगर काम करोगे ना, आर्टिकल लिखोगे तो वो रैंक करेगा ही करेगा, तो मैंने लाइव करके ये दिखाया था, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मेन कंसेप्ट पे, आपको क्वेरीज में चले जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप पोजीशन पे आ जाओ और यहाँ पे इक्वल के जगह पे आपको लगाना है स्मॉलर देन, ठीक है, मिसी की उससे कम रेंज वाले, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है 10। तो 10वें पोजीशन के नीचे वाले कौन कौन से कीवर्ड्स हैं मेरे, अब बताओ। जो मेरा कंसेप्ट है कि जो
ब्लॉग 50वें पोजीशन पे रैंक कर रहा था कीवर्ड, उस पे काम करूँ पहले या इस पे काम करूँ, तो मैं आंख बंद करके ऐसे कीवर्ड्स पे काम करूँगा जिसका पोजीशन 10 के नीचे है, तो ये जल्दी से और रैंक हो जाएंगे और मुझे ज़्यादा इंप्रेशन और ट्रैफिक देंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और देखो ये टेस्ट ब्लॉग है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली कुछ भी कर देते हैं, तो वहीं थोड़ा बहुत कीवर्ड का डाटा है तो मैं दिखा रहा हूँ। आपका ब्लॉग अगर 30 पोस्ट हो जाएगा, 3 महीने पुराना हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको 20, 30, 40, 50, 100 प्लस कीवर्ड आ जाएंगे जिस पे आप काम करके ऐसे रैंकिंग बढ़ा सकते हो। अब देखो, अब देखना है कि ये कौन से पेजेस हैं। पेजेस ये हैं, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और मेरा क्वेरी क्या था वो देख लेते हैं। ये क्वेरी है, अब इसको मैं चेक करूंगा। लेट सपोज ये कोई मेन कीवर्ड है, यहाँ पे इंप्रेशन ज्यादा अगर आ रहा है ना, तो इसको मैं चेक करूंगा कि इस पोस्ट में है कि नहीं ये कीवर्ड। तो ये देखो, इस पोस्ट में ये कीवर्ड है ही नहीं कहीं, तो इसको मैं क्या करूंगा कि ये ऐड करूंगा अपने इस पोस्ट में। तो इस पोस्ट में ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ फाइंड करूंगा, आईफोन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब देखो तो ये क्या था, ये कीवर्ड था ये स्पॉटिफाई सिंक लोकल फाइल्स टू आईफोन। तो ये कीवर्ड अब हम कहीं भी इस पोस्ट में ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे ना, तो वो पोजीशन ये, अब देखो इसको इस प्रकार से फिट करना है कि ये पोस्ट के अंदर कहीं भी फिट हो जाए। इज नाउ इजी बिकॉज आई हैव कम अप विद स्टेप, ठीक है। तो ऐसे आपको पोस्ट में ऐड कर लेना है। तो जैसे आप पोस्ट में ऐड कर लोगे ना ऐसे कीवर्ड्स को जिनके इंप्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो आपका क्या होगा ना, ये 90वें नंबर से सीधे अगर टॉप 3 में नहीं आया ना, तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ठीक है। ये कहीं भी आप पेड कोर्स में 10,000, 20,000 भी यूट्यूबर वाले लोगों को दे दोगे ना, तो कोई भी नहीं बताएगा। ये चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू करो और सीख लो। तो ऐसे आपको सब पे काम करते जाना है, तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी ही करेगी। अब देखो मैन्युअली चेक करना है कि कहाँ काम करूँ नहीं करूँ, तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। थोड़ा सा और छोटा प्रोसेस करने के लिए मैं जान लेता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखो, मान लो मैं अगर US में काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं US एक कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप यहाँ नहीं सेलेक्ट करके न्यू में जाओ और यहाँ पे कंट्री पे करो, और जो भी मेरा मेन टारगेट है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, तो वो सारे डाटा मेरे को वहीं दिखेंगे, US वाले ही। अब क्वेरीज मेरे को वहीं सारे यहाँ पे दिखती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वर्क करना है। तो देखो, ऐसे काम करोगे ना तो आपका रैंकिंग तुरंत बूस्ट मिलेगा। आप मेरा लिख के यहाँ पे ले लो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप सही से काम करोगे ना, ट्रैफिक डबल नहीं हुआ ना, लेकिन ऐसे तरीकों से सही से SEO के साथ आपको काम करना होगा, और जो मैं मेथड ये बताया हूँ ऐसे आपको काम करना होगा। बाकी मैं एक और एडवांस चीज़ बता देता हूँ, वो जिसके बारे में मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, ये साइट को आपको ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम में ही डालूंगा। आपको टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, बहुत खतरनाक चीज है जो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। यहां पे इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे मेक ए कॉपी बना लेना है। तो इससे होगा कि आपका एक शीटमेट कॉपी बन जाएगा, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये URL आपको यहाँ से ओपन कर लेना है शीट वाला। और इसको ओपन करने के बाद ना, आपको इसको अपने शीट में इंस्टॉल कर लेना है, जो गूगल का। अब जैसे इस URL को जैसे ही ओपन करोगे ना, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर का लिंक आएगा कि यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आँख बंद करके इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको एक्सेस देना है अपने ईमेल का। तो देखो, ये जादू वाला चीज़ है, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो ये डन हो गया, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये जो हमने कॉपी किया था ना, इसको एक बार इसको यहाँ थोड़ा सा साइड में ला देता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपको एक्सटेंशन में जाना है, तो यहाँ देखोगे सर्च एनालिटिक्स फॉर सीट आ जाएगा, और इसको ओपन साइड बार में कर लेना है। तो यहाँ ये साइड बार में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट है, इसको हटा देते हैं एक बार। तो ये साइड बार में आ गया, यहाँ पे आपको जो भी साइट है ना उस पर आपको क्लिक कर देना है, और रेंज जो भी है डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कब से कब डेट का आपको डाटा चाहिए, तो वो डाटा यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद देखो, सबसे नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे GSC डाटा कर देना है, तो यहाँ पे GSC डाटा दिखाने लगेगा।
और यहाँ पे ग्रुप बाय में एक तो क्वेरी डाल दो, दूसरा यहाँ पे पेज डालो, ठीक है। तो ये सारे डिटेल के साथ आपको डाटा मिल जाएगा, वो कैसे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करो एक बार, और तब देखो जादू, देखो जादू आ गया ना यहाँ पे। यहाँ पे जादू है ना कि आपको मैनुअली पिक नहीं करना है, ये कलर्स ही आपको बता देंगे कि किस पे काम करना है पहले। तो मान लो यहाँ पे मेरा तो ये टेस्ट साइट है, तो इतना कम डाटा रहेगा। अगर आपका यही मेन साइट है ना, तो यहाँ पे आप सैकड़ों डाटा मिल जाएंगे, तो उनको क्या करना है कि ऐसे काम कर लेना है। देखो ये पोजीशन बता रहा है कितने पोजीशन पे है, किस पे ज़्यादा काम करना है, ये 8 नंबर पे है, फिर भी इस पे इंप्रेशन कम आ रहा है, तो इस पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है, ऐसे चूज करना है। ये देखो ये ग्रीन कर दिया है ना, तो आपको इस पे काम करना है, जो जो ग्रीन है उस पे काम करते रहना है, और ये पेजेस खोल के ये कीवर्ड्स आपको अपने इस पेज पे ऐड करना है, ये बताया हूँ मैंने एक बेसिक डिटेल के तौर पे। बाकी इस डाटा का यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्क्लोज करूँगा। तो देखो इसका पावर क्या है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो ये हमारा एक मेन साइट है, ठीक है, इसका पावर अब हमने इस पे काम करना है, इसके ट्रैफिक को हमें डबल करना है, 2x करना है इसके ट्रैफिक को। तो अब आप देख के खुद बता दोगे कि भैया आपको कहां काम करना है, अभी मैंने बताया ना। तो देखो मेरे को एक तो यहां काम करना है, यहां काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। तो ऐसे पे जब भी मैं काम करूंगा ना, तो इसका इंप्रेशन भी बढ़ेगा, इसका क्लिक भी बढ़ेगा, और क्लिक बढ़ेगा तो मेरा ट्रैफिक भी यहाँ पे बढ़ेगा, और मैक्सिमम चांस है कि डबल भी हो जाएगा ये। तो ये चीज़ें आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, मैंने इसको हाइड कर दिया है अपना डाटा ताकि आपको नहीं दिख सके। अब देखो ये कितना डाटा है, हम लोग इस सब पे वर्क करेंगे ना, तो बहुत चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं। देखो ये एफिलिएट साइट है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस्ट है, ये बेस्ट चीज़ें हैं, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। तो ये सब हम लोग काम करके इसका ट्रैफिक डबल करेंगे, और जैसे ही ट्रैफिक डबल होगा आपका सिस्टम भी डबल हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे मैनुअली चेक नहीं करना है, ये पहले ग्रीन कर करके आपको दे दे रहा है, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो नीचे कमेंट करके बताओ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया है, वो जाके ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं ये सारा डाटा भी शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया है ना, तो नीचे कमेंट करके बताओ, फीडबैक दो। और देखो यूट्यूब पे बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और कोई नहीं है जो इस लेवल का नॉलेज आपको पेड से भी ज़्यादा लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ों को आप अपने दोस्तों में जहाँ मन करे वहाँ शेयर करो, अगर आप शेयर करते हो तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, ऐसे ही सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।